पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को वर्चुअल जनसंवाद रैली में मुरादाबाद का जिक्र किया। कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, उससे मुरादाबाद का पीतल उद्योग बढ़ेगा। रविवार को आयोजित इस वर्चुअल रैली में जेपी नड्डा ने पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि अगले 3 साल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आए हैं। कोरोना काल के समय में केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को फ्री लोन देने का भी प्रावधान किया गया। 1 जून से 21 जून तक करीब 50,000 करोड़ का लोन लोगों को दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल का उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल और स्पोर्ट भी है। अगर हम आगरा कानपुर के लेदर की बात करें तो बहुत बड़ा समर्थन इसमें मिलने वाला है, जिसको हमें उपयोग करना चाहिए। मुरादाबाद से रैली में भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्रा ने बताया कि मुरादाबाद में पार्टी के जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ काफी लोगों ने उन्हें सुना। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वितीय कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होता हमारे मई के महीने में, तो 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उन्हें लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसके निमित्त 5 जून से 10 जून तक सैनिटाइजर वितरण, मास्क वितरण हमारे मोर्चों द्वारा किया गया, हमारे मंडल की टीमों द्वारा किया गया और 11 जून से 15 जून तक परिवारों से संपर्क किया गया और पत्रक वितरण कार्यक्रम किया गया और 15 जून के बाद ये वर्चुअल रैली का था। ये वर्चुअल रैली में आज की जो संख्या है वो अमूमन 30 लाख के आसपास संख्या रही है, जिसमें मुराद महानगर संख्या भी जो है 1 लाख के आसपास संख्या मुराद महानगर की है और बड़े गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है कि आज हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है हम लोग सामने हैं और हम लोग उसे जन संवाद कर रहे हैं। और आज जो राष्ट्रीय आपदा आई है कोरोना रूपी, उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी देश जो हमारे ऊपर गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे हैं, हमारी अस्मिता के ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारी जमीन जायदाद छीनने मुठ में है, तो उस विषय में आज हमारी राष्ट्रीय दृष्टि प्रकाश डाला है और बहुत अच्छा रहा है। प्रदेश की संख्या 30 लाख रही है और मुराद महानगर संख्या में 1 लाख की भागीदारी रही है। इसके लिए मेरे महानगर की टीम के सभी पदाधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत सभी शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, सभी जनता जनार्दन के लिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।